What's up, everybody? This is Silent Slayer. Welcome back to another P Battle League video. So guys, जैसे आप सबको मालूम है, ओपन अल्ट्रा लीग एंड हेलोविन कप स्टार्ट हो गया. सो इस टीम में आपको बेस्ट टीम बताने वाला हूँ हेलोविन कप के लिए. सो इस टीम में गार्वेंटुला, मैंडीबस, एलोल एंड मैरोवैक मूव से रहेगा. इस गार्वेंटुला के पास वॉल्ड स्विच, डिस्चार्ज, लॉन्च. मैंडीबस के पास स्नाल, इडिलिस एंड शेडो बॉल. एलोल एंड मैरोवैक के पास है फायर स्पिन, मड बॉम एंड शेडो बोन. सो इस टीम में गार्वेंटुला एज अ लीड यूज कर रहा हूँ. सेफ सॉफ के लिए हमारे पास है मैंडीबस, कवरेज फिनिशर के लिए हमारे पास है मैरोवैक. सो देखते हैं टीम कैसा परफॉर्म करते हैं. गाइस अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट कर दो वीडियो कैसी लगी. गार्वेंटुला वर्सेस मैंडीबस बहुत ही अच्छी स्टार्ट है गाइस, बिकॉज गार्वेंटुला वीक है वॉल्ड स्विच एंड डिस्चार्ज के सामने. उसने ड्रैपियन को लाया, यहाँ लुंज यूज करूंगा गाइस, बिकॉज लुंज उसका अटैक फेल करेगा और अच्छा खासा डैमेज भी कर देगा. सो यहाँ अपने मैंडीबस को लेके आगे इसकी हेल्थ फार्म करते हैं. स्नाल से देखते हैं क्या यूज करता है. स्लज बॉम्ब क्रंच दोनों ही ज्यादा इफेक्टिव नहीं है और उसने ऑलरेडी एक लुंज उसको डिलीवर कर चुके हैं गाइस, तो उसका डैमेज ऑलरेडी कम लगेगा. एक एडीएलएस ऑलमोस्ट ड्रैपिन खत्म हो गया. देखते हैं इस बार क्या यूज करता है. स्लज बॉम्ब और क्रंच, इस बार भी क्रंच. क्रंच तो नॉट इफेक्टिव गाइस, बिकॉज मैंडीबस भी डार्क टाइप पोकेमोन है, हमने उसे अच्छा खासा फार्म किया गाइस. देखते हैं किसे लाते हैं. उसने सीजर को लाया, सो यहां बैक टू बैक मैं शैडो बॉल यूज करूंगा एंड बूम गाइस, देख लो डैमेज शैडो बॉल का. सीजर ऑलमोस्ट खत्म है और उसका लास्ट पोकेमोन है मैंडीबस, जिसको मैं अपने गार्वेंटुला से इजिली फार्म कर सकता हूँ. मैंने उसकी पूरी टीम खत्म कर दी गाइस. शील्ड यूज करके भी फायदा नहीं गाइस, बिकॉज शील्ड सेव करूंगा मैंडीबस के लिए. यहां मैं जाने दूंगा हमारे मैंडीबस को. मैंने कहा कि उसकी हेल्थ फार्म किया फायर स्पिन से. मैंडीबस ना उसके सामने आया, वॉल्ड स्विच और डिस्चार्ज रेडी है. एक डिस्चार्ज अच्छा खासा डैमेज करेगा गाइस मैंडीबस के ऊपर, अगर उसने शील्ड यूज नहीं किया. डेफिनेटली शील्ड यूज करेगा बिकॉज उसका लास्ट पोकेमोन है. और यहाँ एक और डिस्चार्ज रेडी, आई होप ये डिस्चार्ज किया तो सर्वाइव नहीं कर पाए. मैंडीबस खत्म. जी जी गाइज, नेक्स्ट बैटल की तरफ चलते हैं. गार्वेंटुला वर्सेस एलोल एंड मर्क. एवरेज स्टार्ट है, डेफिनेटली पहले लुंच ले जाऊंगा, अटैक फेल करूंगा इसका. गार्वेंटुला जैसे स्क्विशी पोकेमोन है इसलिए शील्ड यूज करूंगा, बिकॉज एक डार्क पल्स अच्छा खासा डैमेज करेगा गार्वेंटुला के ऊपर. लुंच यूज करते हैं, देखते हैं. एंड उसने भी शील्ड यूज किया, अटैक फेल हुआ. पर मैं सोच रहा हूँ कि इस बार भी शील्ड यूज ही कर लेते हैं गाइज. दो बार अटैक फेल होगा तब जाके लुंच, मेरे को लगता है गार्वेंटुला सर्वाइव कर पाएगा. एक और लुंच के लिए जाते हैं एंड अपोनेंट ने शील्ड यूज नहीं किया, हमने उसकी लीड बीट किया, बट अपोनेंट के पास है गाइज एक शील्ड एडवांटेज. डेफिनेटली लंच के लिए जाऊंगा और अच्छा खासा डैमेज कर सकता था, बट उसने शील्ड यूज कर लिया, उसका अटैक फेल हो गया. सो डेफिनेटली आप एलोल एंड मैरोवैक को लाने गाइज, बिकॉज मैंडीबस वीक है चार्म के सामने. एलोल एंड मैरोवैक को यूज करके देखते हैं क्या यूज करते हैं. म्यूटियम एश इफेक्टिव नहीं है, फार्म करेंगे और फार्म करेंगे बिकॉज अगर वो स्विच कर रहा है. शैडो बोन रेडी है, देखते हैं कितना डैमेज करता है. एंड ऑलमोस्ट नॉकआउट हो गया गाइस, देखते हैं उसका लास्ट पोकेमोन है गार्वेंटुला. और यहाँ शैडो बोन अगेन रेडी है, देखते हैं कितना डैमेज करता है. एंड गार्वेंटुला भी खत्म है गाइस. जी जी, बस एक स्नाल और गार्वेंटुला खत्म. देखते हैं क्या यूज करता है. लुंज यूज कर रहा है गाइस, मैंने उसका मूव कैच कर लिया. अगेन इजी बैटल्स गाइस. नेक्स्ट बैटल की तरफ चलते हैं. गार्वेंटुला वर्सेस मालामा. अगेन अच्छी लीड है गाइस, बिकॉज मालामा डार्क टाइप, डार्क और साइकिक टाइप है. और हमारे पास जो कि लुंज है जो कि सुपर इफेक्टिव है इसके ऊपर. अगर वो एक भी अगर वो शील्ड यूज ही नहीं करेगा ना गाइस, तो वन शॉट लगेगा उसको. एंड देखते हैं गाइस, ऑलमोस्ट गाइस उसकी हेल्थ खत्म हो जाती है, उसने शील्ड यूज किया, उसका अटैक फेल हो गया. सो लास्ट बैटल के पर यहाँ शील्ड यूज नहीं कर रहे, देखते हैं उसने फाउल प्ले सर्वाइव किया है. अब लुंज के लिए जाते हैं और उसने मेरा मूव कैच किया गाइस होम बॉटम के ऊपर. इफेक्टिव नहीं है, मैं एलोल मैरोवैक को लेके आऊंगा, हेल्थ फार्म करेंगे. और अपोनेंट ने सरेंडर कर दिया बिकॉज उसका सेफ सॉ मैंने बीट कर दिया एलोल मैरोवैक से. नेक्स्ट बैटल के लिए चलते हैं. गार्वेंटुला वर्सेस प्यूरीफाई सेबल, शैडो सेबल है. लुंज रेडी है, देखते हैं कितना डैमेज करता है. गाइस ऑलमोस्ट इसको खत्म कर दिया. शील्ड यूज करूंगा, उसकी पूरी हेल्थ फार्म करूंगा, वॉल्ड स्विच से एडवांटेज अपने पास रखूंगा. उसने इमीडिएटली स्विच किया है अपने प्रीवियस को ड्रैगन ब्रेथ का. शैडो प्यूरी शैडो सेबल अभी भी उसका सर्वाइव कर लिया गाइस. बॉडी स्लैम जा रहा है, कोई इफेक्ट नहीं बॉडी स्लैम का. उसने ऑलरेडी उसको एक लंच डिलीवर कर दिया, सो ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा. एडीलेस रेडी है, देखते हैं क्या करता है. शील्ड यूज करता है कि नहीं, शील्ड यूज नहीं किया गाइस, बिकॉज एडीलेस भी सुपर इफेक्टिव नहीं है, बट अच्छा खासा डैमेज करता है. देखते हैं और एडीलेस यूज करके ऑलमोस्ट गाइस ने फिर सर्वाइव कर लिया. हाँ, मैं भी शील्ड यूज नहीं करूंगा, उसकी हेल्थ फार्म कर. उसका लास्ट पोकेमोन है एरियाडॉस. इमीडिएटली अपने एलोल एंड मैरोवैक को यहाँ लाते हैं. एलोल एंड मैरोवैक के पास फायर स्पिन जो कि सुपर इफेक्टिव है, लुंच के लिए जा रहा था मेरा अटैक डिबफ करने के लिए. यहाँ शैडो बोन रेडी है, अगर उसने शील्ड यूज नहीं किया अच्छा खासा डैमेज देके जाएगा.
एंड गाइस खत्म है एरियोडॉस भी, सिर्फ दो तीन फायर स्पिन चाहिए विलिस को खत्म करने, दो तीन फायर स्पिन चाहिए प्यूरीफाई सेबल आई को खत्म करने के लिए। गाइस तीनों पोकेमोन सर्वाइव करेंगे, दो बोन क्लब रेडी है, यूज करते हैं बोन क्लब खत्म करते हैं उसको। नहीं अब जी जी फॉर अस गाइस, इजी गाइस देख रहे हो टीम हर बैटल इजी कर देती है, सिर्फ बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम कॉम्बिनेशन। गैलेंटुला इज ड्रिप ब्लिम, स्विच करके क्लिफ एबल को लाया, सो डेफिनेटली यहाँ गाइस मुझे स्विच करके एलोन मैरोवेक को लाना है, बिकॉज अगर मैं मैंडी बस को गलती से भी स्विच कर दिया तो वो फार्म कर लेगा। डिफेंस फेल ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था गाइस, यहाँ पे मैंने इसको इनिशियल यूज करूंगा, साइकिक क्लियर है पर स्टिल सर्वाइव किया, देखते हैं किसको लगता है सेफ सॉफ बीट किया है, एडवांटेज है हमारे पास। इसने ड्रैगेल जी को ले गया, शैडो बोन रेडी है गाइस यहाँ पे एंड शैडो उसने शील्ड यूज कर लिया। या मैं सोच रहा हूँ गाइस मैं मैंडी बस को लेके आता हूँ, पर यू कैन सी देख रहे हो गेम जैसे लैग्ड हो गया, मालूम नहीं क्या हो गया, अपोनेंट ने सरेंडर कर दिया और क्या कर दिया गेम मेरा गाइस देखो पूरी तरह से लैग हो गया था। लंच रेडी है, आई थिंक अपोनेंट ने क्विट कर दिया गाइस, हां गाइस अपोनेंट ने क्विट कर दिया, ऐसा क्विट किया कि मेरा पूरा गेम ही लैग हो गया। हेल्थ फार्म करेंगे वॉल्ड स्विच से, ड्रिपलिम है इसका पोकेमोन, ड्रिपलिम को तो मेरा मैंडीबस भी इजीली खत्म कर रहा है स्नार और शैडो बॉल से, और ड्रिपलिम के पास भी गाइस आईसी विंड है, चार्ज यूज करते हैं गाइस, तो गेम लॉन्ग हो गया बिकॉज अपोनेंट बीच मैच में क्विट कर दिया, सो खत्म ड्रिपलिम। नेक्स्ट बैटल की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट बैटल अपोनेंट के पास क्या है। गाइस इसे देख लो, मैच 5 out of 5 गार्लेंटुला वर्सेस सीज़ो स्टार्ट है गाइस। गार्लेंटुला का वॉल्ड स्विच बहुत सही डैमेज करता है, थोड़ा स्लो फास्ट मूव है बट बहुत सही लंच यूज करता है यहाँ पे, अच्छा खासा डैमेज नहीं करेगा उसका अटैक फेल करेगा। यहाँ उसने शील्ड यूज किया उसको मालूम था, उसको लगा मैं अगर डिस्चार्ज यूज करता तो खत्म था, यहाँ एक और शील्ड यूज करके लंच यूज करते हैं गाइस। ऑलमोस्ट आगे देखते हो क्या करता है, शील्ड यूज करता है कि अपने सीजर का सेक्रीफाइस करता है, सीजर का सेक्रीफाइस किया, उसका नेक्स्ट पोकेमॉन है एलोलन नाइनटेल, बट यहाँ मैं एलोलन मैरोवेक को लेके आऊँगा फार्म करूँगा गाइस, और इसके पास होगा साय शॉक डेजलिंग रिम वेदर बॉल जो कि तीनों ही इफेक्टिव नहीं है एलोलन मैरोवेक के, हमारा फायर स्पिन जो कि अच्छा खासा डैमेज कर रहा है उसके ऊपर, देखते हैं क्या यूज़ करता है इस बार साय शॉक ने थोड़ा बहुत डैमेज किया। बोन क्लब रेडी है, शील्ड फार्म करूँगा गाइस, वेट करूँगा इसकी, शील्ड यूज़ नहीं किया फायर स्पिन से यूज़ कर लिया, देखते हैं उसका लास्ट पोकेमॉन कौन सा, उसका लास्ट पोकेमॉन है गैलेरियन स्लोब्रो, यहाँ शैडो बॉल रेडी है, शैडो बोन रेडी सॉरी नॉट शैडो बॉल, यहाँ अपने मैंडी बस को लाते हैं गाइज और उसका भी शेडो बॉल रेडी रहेगा, देखते हैं एक शेडो बॉल उसको नॉकआउट कर पाता है कि नहीं। स्लज बॉम्ब मैंडी बस जो कि बहुत टैंकी है गाइज, मैंडी बस मतलब सुपर इफेक्टिव चार्जू भी मैंडी बस के हमने दो तीन सुपर इफेक्टिव चार्जू मारने पड़ते हैं मैंडी बस को खत्म करने के लिए। जी जी नेक्स्ट बैटल की तरफ चलते हैं, गार्लेंटुला वर्सेस क्रोबैट अगेन बहुत सही स्टार्ट मिली है, मैंडी बस को लेके आऊंगा फार्म करूंगा इसकी हेल्थ, एडीलेस यूज करूंगा स्नैल जो कि सुपर इफेक्टिव है, फाउल प्ले नहीं है डार्क पल्स नहीं है और शेडो बॉल यूज करा मैंडी बस, कोई इफेक्ट नहीं है शेडो बॉल का, ये रिलीज खत्म, देखते हैं उसका नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा है, क्रोबैट को ही लगेगा इस डेफिनेटली, या शेडो बॉल यूज करते हैं, क्रोबैट के पास भी होगा शेडो बॉल और पॉइजन फैंग आई थिंक, उसने शील्ड यूज किया और गार्लेंटुला तो ऑब्वियसली हमारे पास है इसको खत्म करने के लिए, तो मैं शील्ड यूज नहीं करूंगा, शील्ड सेव करूंगा, पॉइजन फैंग एक और शेडो बॉल के लिए ट्राई करते हैं, ऑलमोस्ट आ गया, देखते हैं क्या करता है, शील्ड यूज करता है और उसने दोनों शील्ड अपने यूज कर लिए क्रोबैट के ऊपर, अब मुझे लगता है वो स्विच करेगा, अब मैं शील्ड यूज करूंगा, देखते हैं क्या लाता है, शैडो बॉल गाइस शील्ड यूज नहीं किया होता उसने, एरियाडॉस लेके आया, फर्स्ट ऑफ ऑल लंच यूज करते हैं उसका अटैक डीबफ करते हैं एंड देन अपने एलोन मैरोवेक को लाते हैं, हेल्थ फार्म करते हैं इसकी पूरी फायर स्पिन और एक शैडो बॉन्ड डिलीवर करेंगे क्रोबैट को, हमारा भी एक अटैक फेल हो गया गाइस, एरियाडॉस के पास भी लंच है, देखते हैं क्या यूज करता है, क्रॉस पॉइजन भी कोई इफेक्ट नहीं है, एरिडोस खत्म, डायरेक्टली शैडो बॉन लेगेसी मूव है गाइस, एलोलन मैरोवेक का देखते हैं कितना डैमेज करता है, एक डीबफ होने के बाद भी अच्छा खासा डैमेज किया है गाइस, और यहाँ शैडो बॉन अगेन रेडी है, शील्ड यूज नहीं करूंगा, देखते हैं क्या यूज करता है, शैडो बॉल पॉइजन फैंग यूज कर रहा है गाइस, उसको लगता है मैं शील्ड यूज कर लूंगा और अगेन शैडो बॉन रेडी है और यहाँ क्रोबैट खत्म है गाइस। जी जी अनदर इजी विन बिकॉज बहुत अच्छी लीड मिल गई थी, नेक्स्ट वर्ल्ड की तरफ चलते हैं, गार्लेंटुला वर्सेस फ्रॉस्ट्रेस, फ्रॉस्ट्रेस भी दूसरा सीजर है गाइस, बट सीजर थोड़ा स्क्विशी है, ज्यादा डैमेज देता है, फ्रॉस्ट्रेस थोड़ा बल्की है तो कम डैमेज दे रहा है, अटैक फेल हो गया, मैं शील्ड यूज करूंगा गाइस, मेंटेन रखूंगा शील्ड एडवांटेज, देखते हो क्या यूज करता है, मिरर शॉट मुझे पता नहीं था फ्रॉस्ट्रेस के अटैक क्या है, अगेन लंच के लिए आते हैं, मैंने सीएमपी टाइल विन किया शायद आई थिंक,
एंड उसका टू टाइम अटैक डीबफ हो गया। सो यहाँ सोच रहा मैं शील्ड यूज ना करूँ, मिरर शॉट 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 का कोई इफेक्ट नहीं है। अगेन लुंज रेडी था ऑलमोस्ट, बट यहाँ कालोन को जाने देना पड़ेगा, शील्ड यूज कर लिया तो अपने एडवांटेज है। सोच रहा हूँ मैंडी बस को लेके आऊँ, फार्म करूँ पूरी हेल्थ। उसने अपशगुन को लाया गाइस, पर अपशगुन के सामने मैं एलोरन मैरोवेक को उतार नहीं सकता बिकॉज अपशगुन के पास नाइट स्लैश अच्छा खासा डैमेज करेगा, इसलिए मैंडीबस से इसको खत्म करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंडीबस शैडो बॉल भी यूज नहीं कर सकता बिकॉज नॉर्मल और डार्क टाइप है, और देखते हो क्या यूज करता है। गंग शॉट यूज कर रहेगा इस, गंग शॉट बहुत बड़ा मूव है अपशगुन का, हाइपर बीम गंग शॉट ऑलमोस्ट खत्म हो गया गाइस। मुझे लग रहा है सेकंड गंग शॉट के लिए जाएगा, बट हमारा एरियल इस रेडी हो गया। मुझे लगता है शील्ड यूज करेगा, नहीं यूज किया उसने, देखते हैं किसको लाता है। उसने फ्रॉस्ट ब्लास्ट को लेके आया है, हमारे पास एलोरन मैरोवेक है गाइस, मुझे लगता है वो एवलांच के लिए जाए शायद, एवलांच था इफेक्टिव नहीं है। फार्म करेंगे इसकी हेल्थ अच्छी खासी फायर स्पिन से, लगता है इस बार शील्ड यूज करना था गाइस। मेरे को लगा कि वो शेडो बॉल के लिए आएगा तो पूरा एलोरन मैरोवेक खत्म हो जाएगा, बोन ग्लव से इसकी भी शील्ड फार्म करते हैं। उसने शील्ड उसका फ्रॉस्टलेस अभी भी स्टिल अलाइव है, चाहता तो मेरा मूव कैच कर सकता था बट नहीं किया, बट बोन ग्लव ने अपना काम कर दिया, नया फायर स्पिन रेडी है फ्रॉस्टलेस के लिए। जी जी फॉर अस, नेक्स्ट बैटल की तरफ चलते हैं। गार्लंटुला वर्सेस ड्रिबलिन, अगेन बहुत सही स्टार्ट है गाइस। डिस्चार्ज, एक डिस्चार्ज अगर शील्ड यूज ना करे तो ड्रिबलिन पूरा खत्म हो जाएगा। उसने शील्ड यूज किया, आईसी विंड के लिए जाएगा, उसके बाद आईसी विंड शैडो बॉल या मिस्टिकल फायर होगा, देखते हैं क्या उसका। आईसी विंड मेरा अटैक डिबफ करने के लिए, बट स्टिल मैंने उसकी अच्छी खासी हेल्थ दे ली गाइस, यहाँ से भी उसको इजीली नॉकआउट कर सकते हैं, देखते हैं क्या करता है। उसने दोनों शील्ड यूज कर लिया, मैं भी दोनों शील्ड यूज करूंगा, अपना अटैक एडवांटेज रखूंगा अपने पास, देखते हैं। एरियाडोस को लेके इमीडिएटली एलोरन मैरोवेक को लेके आएंगे, फार्म करेंगे इसकी पूरी हेल्थ शैडो बोन से। बोन क्लब रेडी है, देखते हैं कितना डैमेज करता है, मुझे लगता है खत्म हो जाएगा एरियाडोस, स्टिल सर्वाइव किया, इजीली फार्म कर सकते हैं इसकी हेल्थ पूरी फायर स्पिन से। उसका नेक्स्ट पोकेमॉन देखेंगे कौन सा, अगेन इतना फास्ट मूव है एरियाडोस का कि इतने सारे चार्ज सो कोई आ जाते हैं इसके पास, देखते हैं किसको लाता है। उसका लास्ट पोकेमॉन कौन सा, आई थिंक अपोनेंट ने सरेंडर कर दिया। शैडो बोन रेडी है ड्रिबलिन के लिए, सुपर इफेक्टिव, देखते हैं इमीडिएटली स्क्राफ्टी को लेके आते हैं गाइस। स्क्राफ्टी हमारे पास स्नाल एरियलिस, एरियलिस जो कि सुपर इफेक्टिव है, पावर अप पंच ले रहा है, अटैक बफ कर रहा है। आई थिंक तीन एरियलिस लगेगा स्क्राफ्टी को नॉकआउट करने के लिए, फर्स्ट वन, हाँ गाइस तीन तो लगेगा, कम से कम तीन लगने वाला है। और उसका फॉल प्ले तो कोई इफेक्ट नहीं करने वाला है गाइस, और कितना भी अटैक बफ करके मारे फॉल प्ले डार्क टाइप। ट्रेन एरियलिस और एक और एरियलिस और स्क्राफ्टी खत्म है, अपोनेंट स्टिल फाइट कर रहा, उसको स्टिल लगता है वो यहाँ से जीत पाएगा। जी जी हो गया गाइस, जी जी फॉर अस, इजी विन गाइस। सो आज के वीडियो के लिए गाइस इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज टू लाइक कमेंट शेयर ऑन माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।